गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा आप सभी को याद होगा, लास्ट के 3 पार्ट्स के अंदर हमने मतलब यहाँ पे ये फार्म्स बनाए थे छोटे छोटे, और यहाँ पे मैंने छोटा सा स्टोरेज रूम, और मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये मतलब एनिमल बांध बना रहा था। जिसने पहले लास्ट वीडियो में देखी, पहले देखो वो देखो, मैं आई कार्ड पर लिख डाल दूंगा। और उसमें मैंने मतलब इसका जो मेन में बाहर का पार्ट था वो बना दिया था, जो इनर था वो रह गया था। तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, मैंने इसलिए उसमें इनर पार्ट भी बनाया था। तो आज हम इसका मेनली इनर पार्ट बनाना चालू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे मतलब देखिए स्टोन भी कलेक्ट कर लिए हैं जितने मेरे से हो सकते थे, और आधे स्टोन मैंने पकने के लिए भी पहले ही रख दिए थे। तो ये कॉबल स्टोन से जैसे स्टोन बन सके। तो यहाँ लकड़ कम पड़ चुकी है, मैं लकड़ भी रख देता हूँ, और जल्दी से स्टोन बना लेते हैं, जिससे फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे स्टोन कैसे लगाना। तो गाइस, मैंने अभी के लिए 44 मतलब कलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं पहले बनाना चालू करता हूँ थोड़ा बहुत जितना मतलब बन पाएगा। बेसिकली हमें इसको करना क्या, ऐसे करके मतलब इसको लगाते जाना है, इसको पूरा यहाँ से ऐसे ले जाके वहाँ तक लगाना है। तो मैं थोड़ा स्पीड पे लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आगे। तो गाइस, मैंने इसको इस साइड से लगा लिया। बीच में से मुझे एक पार्टीशन देना होगा, जो पार्टीशन मैं इसका दूंगा वो इस पॉइंट पे आएगा इसका पार्टीशन मेन। तो मैं जैसे एक पार्टीशन बना देता हूँ दोनों के बीच में। तो यहाँ से ये पार्टीशन ऐसे बन चुका है। तो वैसे मेरे पास 3 ही स्लैब बचे, मतलब ये 3 वो बचे हैं। तो मेरे को इससे मेन अब बनानी है इसकी वॉल, मतलब इसी की वॉल होनी चाहिए। देखता हूँ अगर वॉल कहाँ से बनती है, और वॉल बनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे मुझे क्या करना होगा। तो वॉल बनाने के लिए मेनली एक मतलब वॉल बनने के लिए 6 चाहिए होते हैं। तो पहले मुझे थोड़े से और ये बनाने पड़ेंगे स्टोन, मतलब ये स्टोन ब्रिक्स, फिर मैं आपको बड़े सारे स्टोन ब्रिक्स बनाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पे 35 मतलब ये स्टोन ब्रिक्स हो चुकी हैं। तो मैं इससे पहले थोड़ी सी वॉल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए अभी 12 वॉल मतलब अभी सफिशेंट होगी। तो पहले मैं इसको लगाना चालू करता हूँ, अगर कम पड़ती हैं तो मैं फिर और थोड़ी सी बना लूँगा। तो बेसिकली वॉल जो होगी वो कुछ इस टाइप से लगेगी, मतलब ऐसे स्पेस देंगे जहाँ जहाँ पे ये हैं मुझे यहीं यहीं पे लगानी है। मतलब ये वुड के मतलब लगा लो, वुड जहाँ पे लगी होगी वहीं पे लगेगी, बस एक इधर एक्स्ट्रा लगेगी। तो गाइस, मैंने यहाँ पर जैसे जैसे वॉल लगानी थी वॉल भी लगा दी है। मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें मतलब वॉल भी कम पड़ जाएगी। वॉल मैं थोड़ी सी और बना देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हमें और क्या बनाना है आगे। तो मैंने अभी के लिए 19 वॉल्स बना ली हैं। तो बेसिकली पहले ये गलत वॉल लगा दी मैंने, एक वॉल यहाँ पर लगा के एक यहाँ पर लगेगी, और इसी के ऊपर एक वॉल इधर ऊपर लगनी थी, बट मैंने गलती से इसको नीचे लगा दिया। तो मैं इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ पहले। ये कुछ इस टाइप से जाएगा, और सेम इसको इस साइड से बनाना है, जिसके अंदर एक वॉल इधर, एक इसके ऊपर और एक इधर आनी चाहिए। तो बीच में हमारे पास ये 3 का स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। जैसा यहाँ पर बनाया सेम इस साइड भी बना लेते हैं जल्दी से। तो इसको मैंने ऐसा बना लिया। अब हमें थोड़ी सी वुड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लगेंगे मतलब एक मतलब डिज़ाइन के लिए। देखता हूँ पहले मेरे पास कितनी वुड पड़ी हुई है, उस हिसाब से मैं फिर आपको समझाना जल्दी से स्टार्ट करता हूँ समझाना। तो यहाँ पर हमें वुड के गेट लगाने होंगे जो कि होते हैं मतलब इस टाइप के। तो इसमें मेरे को थोड़ी सी स्टिक्स बना लेनी चाहिए जल्दी से। तो अभी तो वुड के 2 ही गेट बन पा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी पहले वुड कलेक्ट करता हूँ और फिर आपको जल्दी से मिलता हूँ, क्योंकि वुड इसमें थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी और वुड मेरे पास थोड़ी कम है। थोड़ी पहले वुड कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे वुड तोड़ के आ चुका हूँ। तो मेरे पास 14 ओकलॉग हो चुके हैं। तो मैं इसको जल्दी से मतलब थोड़ी सी पहले इसको स्पीड में चेंज कर लेता हूँ, और थोड़ी सी स्टिक्स भी बना लूँगा अगर हो सके तो। मतलब मेन तो स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी मुझे अभी। तो मुझे इसमें थोड़ी सी फेंस भी चाहिए होगी, तो मैं थोड़ी सी फेंस भी बना लेता हूँ और पहले थोड़े से गेट भी बना लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस, मैंने गेट और फेंस बना लिया, अगर कम पड़ेगी तो मैं दोबारा बना लूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इसको लगाना है, इसमें मतलब एक गेट इधर लगेगा और एक गेट इधर की साइड लगेगा, और बीच में इसके हमें यहाँ पर एक फेंस लगानी है।
कुछ इस टाइप से। तो मेरे को सब में ऐसे ही मतलब मेनली कंप्लीट करना है, तो गेट तो मेरे हिसाब से पक्का ही मेरे को कम पड़ जाएंगे लग रहा है, और फेंस तो पूरी हो ही जाएगी क्योंकि फेंस तो बीच बीच में लगनी है एक एक जगह पे ही। तो पहले मैं जल्दी से गेट और फेंस पर मतलब कम पड़ते हैं तो बनाऊंगा, पहले जितने हैं उतने तो लगा लेता हूँ मैं। और मेरे को अभी सोना भी टाइम पे पड़ेगा मतलब, क्योंकि अभी लाइट्स इधर है नहीं है तो जल्दी से, अभी तो रात हुई नहीं वैसे, मतलब जब भी होगी तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, वरना यहाँ पे जो है जॉम्बी वॉम्बी जल्दी स्पॉन होंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा अभी कमी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर पहले ये फेंस लगा लेता हूँ, और इधर भी ऐसी लगेगी, और गेट तो मेरे पास ख़त्म ही हो तो गेट तो मेरे पास ख़त्म ही हो चुके हैं, तो पहले चल के मैं थोड़े से गेट भी बना लेता हूँ आगे काम कंटिन्यू करने से पहले। तो मेरे पास थोड़ी सी स्टिक्स कम है तो मैं थोड़ी स्टिक्स बना लेता हूँ जिससे कि गेट तो बन पाएंगे। तो इधर दो ही गेट बन पा रहे हैं अभी के लिए, तो मैंने वहाँ पे पेड़ द्वारा मतलब लगा दिए कि उग पाएंगे, तो पहले मैं यहाँ पर इनको लगाता हूँ जल्दी से। एक ये इधर लगेगा और एक ये इधर और एक इधर। तो अभी एक गेट कम पड़ चुका है, देखता हूँ अगर एक गेट बन पाता है तो अभी के लिए एक गेट तो बना ही लेता हूँ जैसे तैसे। तो मेरे पास वुड बिल्कुल ही ख़त्म है मतलब, एक टाइप से कि एक भी गेट नहीं बना पाऊँगा अभी तो मैं। तो पहले चल के थोड़ी सी वुड तोड़ लेते हैं। और ये गाय बाहर कैसे आई, और ये पिग भी एक बाहर है यार, मुझे ये नहीं समझ आया कि ये दोनों बाहर आए तो आए कैसे, बाकी सब तो अंदर हैं, यही दोनों पता नहीं कैसे बाहर हैं। तो मैं जल्दी से चढ़ के देखता हूँ, अगर पेड़ उगते हैं तो फिर पेड़ उगा के मतलब इन्हें भी तोड़ता हूँ। कि दूसरी वुड तो मतलब मैंने मेरे पास है, लेकिन ब्रिज वुड अच्छी नहीं लगेगी मतलब यहाँ पे लगी हुई, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी ब्रिज वुड भी चाहिए होगी, मतलब वुड तो अब सब चाहिए होगी क्योंकि मेरे को बनाना है चारकोल, क्योंकि वहाँ लाइटें बहुत सारी लगनी है। तो मैं जब तक ये वाले पेड़ उगते हैं तब तक मैं बाकी के पेड़ तोड़ लेता हूँ जिससे कि मैं कोयल तो बना पाऊँगा। तो बाकी सारे पेड़ जल्दी से तोड़ता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मेनली यहाँ पर मैंने ज़्यादातर सारे पेड़ ही तोड़ लिए हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 33 ये हो चुके हैं ओक लॉग, नहीं सॉरी ब्रिज लॉग, और एक मेरे पास ये मेरे को भी मिला ओक लॉग। तो मैं इससे जल्दी से चल के मतलब वो बनाना चालू करता हूँ कि थोड़ी सी लाइट्स के लिए पहले मैं इनको पकने के लिए रख देता हूँ जिससे कि चारकोल बने, और चारकोल से फिर मैं बनाऊँगा अपने लिए लाइट्स जिससे कि मैं यहाँ पर लाइट्स भी लगा सकूँगा, क्योंकि वरना स्पॉन यहाँ पर बहुत अच्छे से हो पाएंगे मतलब जितने भी मॉब्स हैं। तो इसके लिए पहले मैं जल्दी से यहाँ पर इसको मतलब 21 ये भी बन चुकी है मेरे पास, तो पहले मैं इसको रख के पहले इसको निकाल के पहले मैं थोड़े से वो बनाता हूँ इसके लॉक्स, तो फिर ये बना पाएंगे। पहले यहाँ पर थोड़े से लॉक्स बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर चारकोल बनाने के लिए रख देता हूँ कि मतलब चारकोल ऐसे बनता है, तो मैं थोड़े से चारकोल बनने देता हूँ जिससे कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइट्स भी लगा सकूँ, और साथ साथ मैं अपने लिए वॉल्स भी बनाई लेता हूँ क्योंकि वॉल्स तो बन सक सॉरी वॉल्स अभी बन नहीं पाएंगी। और गेट तो मेरे पास एक बन गया है, और मेरे को एक ही गेट की अभी मेनली ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ पे चल के एक गेट भी लगा ही देता हूँ। वैसे तो गेट अभी बहुत सारे चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी लगेंगे गेट, और इस साइड भी गेट लगने हैं, और सामने की साइड सेम से बन के और उधर भी गेट लगने हैं। तो पहले मैं यहाँ का कंप्लीट करता हूँ जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है पहले मैं पेड़ उगाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। जैसे सारे पेड़ उग जाएंगे तो फिर मैं आपसे आके मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादातर मतलब पेड़ उग चुके हैं, बस यही दोनों पेड़ पता नहीं अभी तक क्यों नहीं उगे हैं। तो अब हमारे पास लकड़ी की मतलब थोड़ी बहुत कमी तो दूर हो ही जाएगी। 6-7 पेड़ हैं जो मतलब 3-3-6 और 2-8 पेड़ उग चुके हैं अभी के लिए। तो मतलब मैं 8 पेड़ तोड़ता हूँ और जल्दी से लकड़ कलेक्ट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने अभी के लिए 10 पेड़ तोड़ लिए हैं, तो मैं चल के पहले इससे थोड़ा बहुत बनाता हूँ, फिर बाद के पेड़ आके तोड़ लूँगा। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें मतलब मेनली आगे करना क्या, अभी रात हो के हट गई है। तो अभी हमने यहाँ पे मतलब ये सब लगा दिया था, ये लामा लामा घूम रहे जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर जल्दी से जैसे यहाँ पर लगाए हैं सेम इस साइड में लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कैसे क्या क्या लगाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी फेंस और थोड़े से फेंस गेट चाहिए होंगे, तो मैं जल्दी से फेंस और फेंस गेट बनाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने गलती से फेंस मतलब ज़्यादा बना लिया, और फेंस गेट अभी सिर्फ 3 ही बनाए थे, मैं ये चीज़ भूल गया कि फेंस गेट की हमें ज़्यादा जरूरत है। तो मैं दोबारा पेड़ तोड़ने आया हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़े से पेड़ और तोड़ लेता हूँ पहले आगे द्वारा काम कंटिन्यू करने के लिए, और फिर आगे काम वैसे वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि सामने की साइड पे हमें फेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ये फेंस काम आ जाएगी। बट अभी के लिए हमें मेन गेट चाहिए थे, तो मेरे को दोबारा लकड़ तोड़ने के लिए मतलब आना पड़ा। तो मैं यहाँ से जल्दी से थोड़ी सी वुड और कलेक्ट करता हूँ और फेंस गेट बना के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मेरे पास टोटल 10 फेंस गेट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मतलब जितने भी लग सकते हैं उतने लगाता हूँ, और वरना कम पड़ते हैं तो दोबारा जाके बना के तो मेरे को लाने ही पड़ेंगे। मेरे को लग रहा है कि ये कम पड़ जाएंगे मतलब थोड़े से। तो यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे फेंस गेट लगा देता हूँ पहले, और फिर वहाँ पे ऊपर फेंस अटैच कर दूँगा उनके साथ।
एक तो ये लामा यहाँ पर आने से ही हट रहा, अभी यहीं पे ही बंद हो जाएगा। चांस तो ये बंद ही कर दूंगा इसको यहाँ पे, बट ये घूम के वहीं से इसको रास्ता भी पता है, दूसरी साइड से घूम के आ जाएगा। तो दो फेंस गेट बच गए हैं, तो दो फेंस गेट तो कम पड़ देंगे मेरे को। मेनली अभी छः फेंस गेट और कम से कम चाहिए, क्योंकि तीन इस साइड लगेंगे और तीन इस साइड लगेंगे। तो वो थोड़ी सी और तोड़ता हूँ और फेंस गेट बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर 11 फेंस गेट बना लिए हैं, तो उसको मतलब हमें तो मेन 6 ही लगाने थे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं 6 फेंस, मतलब जैसे फेंस गेट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मतलब एक एनिमल के लिए जगह पूरी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये यह लामा को ही बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो लामा शायद हो रहे हैं, तो उनको भी ला के यहीं पर बंद कर दूंगा। तो ये मतलब टोटल चार लोग, मतलब चार जानवरों के अलग अलग, मतलब उसके लिए स्पीशीज टाइप मान लो, या फिर चार मॉब्स के लिए एक टाइप से जगह बनेगी अलग अलग। मॉब्स तो अलग होते हैं, मतलब कि चार टाइप के जानवर यहाँ पर रह पाएंगे, दो इस साइड में और दो इस साइड में। तो जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है वैसे ही मुझे उस साइड बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा चारकोल लेके और थोड़ी सी पहले स्टिक्स बना लेता हूँ, अगर मेरे पास मतलब वुड होती है तो चार ही स्टिक बन पाएंगी, तो इससे 20 लाइटें बनती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटें बना लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब लाइटों का मिलने में करना क्या है और कैसे करना है। तो यहाँ पर तो ऐसे तो चढ़ा नहीं जाएगा मतलब ये, तो मैं गेट खोल के इधर से अंदर चल के चढ़ता हूँ। तो यहाँ पर एक फेंस, हम ये गेट लगा दिया मैंने गलती से, यहाँ पर एक फेंस लगानी चाहिए थी मुझे। तो एक फेंस यहाँ पर लगेगी और इसके ऊपर मतलब मेनली गेट लगे, वो लगेगी लाइट। तो मतलब मैं इसके ऊपर तो चढ़ नहीं पाऊंगा, तो मेरे को यहीं पे मतलब एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा जिससे कि मैं इसके ऊपर चढ़ के लाइट लगा सकूं। तो पहले मैं सर जगह फेंस लगा देता हूँ, लाइट मतलब मैं बाद में चढ़ के जैसे मर्जी लगा दूंगा। तो यहाँ तो सीधा लाइट ही लगेगी और यहाँ पर भी एक फेंस लगानी है। और एक फेंस इस साइड लगेगी, गलती से मैंने यहाँ पर शायद, हाँ लाइट लगा दी है, यहाँ पर लाइट नहीं, यहाँ पर फेंस लगनी थी। गेट की ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी, मतलब गलती से टच भी हो जाए तो गेट ही खुल जाएगा, मतलब अगर फेंस होती है तो फेंस खुलने की डर नहीं रहता कुछ भी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फेंस लगा देता हूँ, एक फेंस इस साइड लगेगी गेट के, मैं इस साइड आ गया, मतलब पता नहीं कैसे मुझे खुद नहीं समझ आया, मैंने तो अंदर की साइड से बंद किया था। तो मैं पहले अंदर चला जाता हूँ गेट से। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट मतलब यहीं पे तो एक लाइट ही लगेगी और एक लाइट हम इस साइड लगाएंगे और एक लाइट इस साइड लगेगी, और सेम जैसा यहाँ पर किया था वैसे ही वहाँ पर भी करना है। तो पहले मैं यहाँ पर फेंस के लिए मतलब थोड़ा सा कोई ब्लॉक ब्लॉक लगा के, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ब्लॉक लेता हूँ और इस ब्लॉक से मतलब जैसे, तो ब्लॉक ऊपर जाके यहाँ पर एक लाइट लगा देता हूँ। और मैंने शायद वहाँ पे गलती से लाइट लगा दी है, वहाँ पे लाइट नहीं लगनी थी, पहले वहाँ पे फेंस लगनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ जाके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहाँ पे ये इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर एक फेंस लगनी चाहिए थी जहाँ पे मैंने लाइट लगा दी है। और शायद थंडर स्टॉर्म आ चुका, तो पहले मैं देख लेता हूँ कुछ थंडर स्टॉर्म ना हो, क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो जाएगी थंडर स्टॉर्म हुआ। तो वैसे थंडर स्टॉर्म था नहीं, तो यहाँ पर मुझे लाइट हटा के यहाँ पर पहले एक फेंस लगानी है, और एक उस फेंस पे, एक उस फेंस पे और एक इधर वाली फेंस पे लाइट लगानी है। पहली वाली फेंस पे मैंने लगा दी है, तो मैं जल्दी से इन तीन फेंस पे लाइट लगा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर लाइटें लगा दी है, मतलब जहाँ जहाँ लाइट लगनी थी ऐसे लाइट लगानी चाहिए थी इधर, तो मैंने ये लाइट लगा दी है। और सेम उस साइड में कंप्लीट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। इस साइड नहीं, मतलब इधर जो लाइटें लगनी है यहाँ पर भी लाइटें लगा देता हूँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये एक साइड से, मतलब इस साइड से, मतलब ये ऐसा लग रहा है, मतलब लाइटें वाइटें मैंने यहाँ पर टोटल लगा दी हैं जब, तो ये लाइटें इस साइड तो बीच में तो लगी हुई थी, साइड में लगानी थी, और इधर भी लाइटें कंप्लीट कर दी हैं। तो जैसा ये बनाया सेम मैं इस साइड बनाना पड़ेगा, मैं टोटल बनाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैं एक बार कंप्लीट करके आपको मतलब एक बार दिखाऊंगा कंप्लीट करके, बार बार एक ही चीज़ बताने में थोड़ा मज़ा आपको भी नहीं आएगा। तो मैं टोटल कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि टोटल बनने के बाद थोड़ा कैसा दिख रहा है, मतलब किस टाइप का लग रहा है। तो इसके लिए मेरे को पहले स्टोन भी मतलब बनाना पड़ेगा और वुड वुड भी तोड़नी पड़ेगी। तो सारा काम कंप्लीट करके ही मैं आपसे एक ही बार मिलूँगा।
तो बस मैंने इसको इस साइड का भी कंप्लीट कर दिया, मतलब ये टोटल दोनों साइड से अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो बस बचा ये है कि हमें मतलब इसके अंदर जो बाकी मतलब ये जो क्या होते हैं एनिमल्स जो हैं इसको ला के रखने हैं, मतलब चार हैं ये, एक इधर एक साइड इधर आएंगे और एक उधर और एक इधर, तो ये चार साइड आ सकते हैं। अगर चाहें तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, मतलब पीछे की तरफ और एक्सटेंड करके। तो पहले मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा करता हूँ और फिर इनको लाने की मतलब तैयारी करता हूँ। तो पहले थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए पहले मैं थोड़ी सी स्लैब्स बना लेता हूँ कि जिससे इनको लाने में थोड़ी दिक्कत कम हो। तो स्लैब्स के लिए मुझे कॉबल स्टोन स्लैब्स चाहिए होंगी, तो पहले थोड़ा से कॉबल स्टोन तोड़ लेते हैं माइन करके, फिर मैं मिलता हूँ। और ये पता नहीं ये स्पॉन अपने आप अगर अपने आप स्पॉन हो रहे हैं यहीं पे ही इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं थोड़े से कॉबल स्टोन तोड़ता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे मतलब ये कॉबल स्टोन थोड़े से लेके आ चुका हूँ, तो इससे 20 ये बना के मैं अभी के लिए थोड़ा टेम्परेरी सा जगह बना लेता हूँ कि जिससे मैं इनको मतलब आराम से ला सकूँ, ये गिरे भी ना, मतलब इनको चोट वोट ना लगे, मतलब मरे ना। ट्रैक चोट तो इसमें लगेगी नहीं, सीधा मरेंगे ही, नीचे नीचे वॉइड में गिरेंगे तो सीधा मतलब डेड ही होंगे, इसके बाद बचने का तो चांस ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पहले ही बड़ा कर देता हूँ इसलिए कि ये गिरे ना नीचे। तो मैंने थोड़ा तो बड़ा कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको, मतलब मैं दो का ही रख लेता हूँ अभी के लिए। तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर, हाँ वीट पड़ी हुई है, तो वीट दिखा पहले मैं ये सारे गेट खोल देता हूँ। गेट खोलने से पहले जो ये दो मतलब बाहर है ना, इनको मैं अंदर पहुँचा देता हूँ। इसके लिए मेरे पास लेड है, तो मैं लेड से इसको बांध लेता हूँ और लैश करके इसको लेके चलता हूँ उस साइड में। इसको इस साइड रख, इसके अंदर रख देता हूँ ले जाके इसको। ये गेट बंद कर देता हूँ पहले, वरना ये बाहर ही चली जाएगी। तो ये बाहर न जाए इसके लिए मैंने इसको यहीं पे अनलैश कर दिया। और जो वहाँ पे एक काउ थी उस काउ को भी लाके मैं दूसरे वाले में रख देता हूँ। तो बाकी मतलब टोटल चार ही एक टाइप से मतलब वो होते हैं इसमें, हेन होगी और बाकी एक लामा होगा। तो मतलब चार ही लोग हैं और चारों के हिसाब से मैंने जगह बनाई है अलग अलग मतलब बांट के। इसको भी यहाँ ले आया हूँ और इसको बाहर जाके जैसे बंद कर देता हूँ। और अब बाकी सबको खोल के वन बाय वन लाना चालू करता हूँ। एक लामा तो यहाँ पर है ही और यहाँ पर हैन आ जाएगी। और पहले मैं गेट खोल के धीरे धीरे वन बाय वन ही लाऊंगा, मतलब सबको सबको एक साथ लगाना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा कोशिश, गेट तो खोलना ही पड़ेगा जिससे कि जो जो आ जाएगा आने देंगे, या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। गलती से मैंने इस काऊ को मार दिया, मतलब मेरे को इसको लैश करना था, गलती से मैंने इसको वहाँ मारा है जान के, मतलब ऐसे कोई इंटेंशनली मारा नहीं है। तो इन दोनों को मैं साथ में अंदर पहुँचा देता हूँ, अंदर इन द सेंस इसके पास। तो इन तीनों को यहाँ पर रख दिया ऐसे धीरे धीरे करके, मैं सारे जानवर यहीं पर ले आता हूँ। वो शीप पता नहीं कहाँ चली गई, यही नहीं समझ आया मुझे। यहाँ पर एक और वो लामा को लेके मतलब वो आ चुका है ट्रेडर, तो शीप शायद यहीं पर वापसी चली गई है। हाँ ये रही शीप, तो मैं इस शीप को भी लैश कर लेता हूँ और इस वाली को भी लैश करके उधर लेके चलता हूँ। और इनके पास ले जाकर बंद कर दूंगा। मुझे यहाँ बेड लगा के सोना पड़ेगा क्योंकि रात तो हो ही चुकी है, वरना ये भी मारे जाएंगे और मैं भी मरूंगा इनके साथ ही, मतलब कि यहाँ पे मॉब स्पॉन हो गए। तो ये भी अंदर आ ही चुके हैं। मैं जल्दी से पहले अपना बेड तोड़ लेता हूँ, मैंने इनको लैश तो किया ही। तो मैंने अपना बेड तोड़ लिया और मैंने इनको लैश तो वैसे किया ही हुआ है, हाथ में वीट भी रख ही लेता हूँ। पहले इसको फीड नहीं करना, पहले मेरे को इनको अनलैश करवाना है। ये
चौथी भी अपने मतलब ये साथ में ही आ गई है इसकी अपने यहाँ भी, जिससे कि मेरे को फ़ायदा हो गया, मतलब इसको लेने नहीं जाना पड़ा। ये अपने आप यहाँ पे इनको बंद कर दिया ऐसे करके, मैं धीरे धीरे करके सारे मतलब यहाँ जितने भी हैं इन सबको यहाँ वहाँ लेके जाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मतलब दो हैन है, वो सॉरी दो चिकन, मतलब वही हैन चिकन चिकन रखी हैं, और यहाँ पर दो लामा है, मतलब एक लामा था वो मारा गया मुझसे, बार बार थूने लगे थे मैंने इसको इसलिए मार दिया। और यहाँ पर हमारी काव रखी है और यहाँ पर है शीप्स। तो यहाँ का जो मेरा मतलब एरिया था ये पूरा खाली हो चुका है, तो मैं ये फेंस भी तोड़ दूंगा बाद में, मतलब जिससे कि पूरा एरिया खाली हो जाएगा, उसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करूँगा जितना वैसे मतलब हो सकता है। और वैसे आज के लिए मतलब ये बांध मेरा कंप्लीट हो ही चुका है, जो मेरे को पूरा बांध बनाना था, और एनिमल्स को भी मैंने वहाँ ले जा कर रख दिया है। तो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।